और अब शुरू हो रहा है मुकाबला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और आज की सबसे बड़ी खबर, अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस समय वो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और यहीं पर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। किसान आंदोलन में मनजिंदर सिंह सिरसा बढ़ चढ़कर आगे रहने वाले नेताओं में से एक थे। धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में आज मनजिंदर सिंह सिरसा ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। सिरसा के आने से किसान आंदोलन में बड़ा मोड़ आ सकता है, आंदोलन खत्म होने के दिशा में भी जा सकता है। साथ ही बीजेपी को पंजाब में भी इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि मनजिंदर सिंह सिरसा सिख कम्युनिटी के बहुत ही प्रभावशाली चेहरों में से एक गिने जाते हैं। सिरसा ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अभी मुझे पार्टी में भी ज्वाइन कराया, मुझे स्नेह दिया। और मेरे पार्टी के अति वरिष्ठ साथी जो भारतीय जनता पार्टी के देश भर के बड़े लीडर के साथ साथ देश की कैबिनेट में मंत्री माननीय गजेंद्र शेखावत जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट बलूनी साहब, माननीय श्री गौतम जी, रामवीर बिधूड़ी साहब, सर आरपी सिंह जी, मैं दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से देश भर में, दुनिया भर में मानवता की सेवा, देश की सेवा और हमारे पंथ की सेवा हर उस जगह पर जहां पे भी हमारी इस कम्युनिटी को जरूरत पड़ी, हमने वो पूरे देश के अंदर जाके अपने लोगों की आवाज को बुलंद किया। मैनू इस गल का बड़ा फकर आ कि मैनू इस देश की राजधानी के अंदर दो बार दिल्ली के लोगों ने एमएलए भी बना के भेजिया और दिल्ली तो ही मैनू दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मैंबर के रूप अंदर, जनरल सकत्तर के रूप अंदर और फिर प्रधान के रूप अंदर सेवा करने का मौका मिलिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।